हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह विंग गाइड एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक राजगंज पुल के नीचे का एक दृश्य है, जहाँ पे एक अजगर सांप होने की संभावना थी। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा अजगर सांप था और लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे, लोग काफ़ी ज़्यादा रोमांचित थे कि एक अजगर सांप यहाँ बाहर निकला हुआ है। और अभी ठंड के दिन हैं तो ये इस तरह से कभी भी दिख जाते हैं। अपने आप को गर्म रखने के लिए वो धूप सेकते हैं। अब देख सकते हैं कि हाँ, ये काफ़ी बड़ा है, एक पेड़ से जकड़ा हुआ है और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको निकाला गया। इसने वहाँ पे भी मेरे ऊपर दो बार हमला कर दिए, लेकिन मैं बालक बच गया। इसको देखिए, यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और इसको रेस्क्यू करने के बाद एक जंगली इलाका में इसको छोड़ दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको यहाँ से निकाल लिया है। अब इसे ऊपर लोग डरकर भागने भी लगे। ये हमारे टीम का एक लड़का है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, रोशन कुमार। इसने इस सांप को हैंडल किया। धूप सेकने के लिए खासकर बाहर आता है, थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस करता है। ये बॉडी इसका ठंडा है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, इसीलिए अक्सर अजगर ठंडा के दिन में इसी तरह धूप सेकने के लिए बाहर आता है। जिसको हम लोग यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद दूर कहीं छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो लोग अक्सर इसको देखेंगे ढेला वगैरह मारेंगे, कभी सिर पे अगर मार दिए तो हो सकता है इसका मौत हो जाए। इसको बचा के हम लोग दूसरी जगह पे कहीं लेके चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक इंडियन रॉक पाइथन है और इसका हम लोग भारतीय अजगर भी कहते हैं। इसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था राजगंज पुल के नीचे से। पुल के नीचे हम लोग सुने हुए हैं कि हाँ, बहुत सारे सांप एक छोटे से गड्ढे जैसा है जहाँ से निकलते हैं और धूप सेकने के बाद अंदर चले जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो लोग ऊपर से ही इसमें पत्थर वगैरह मार रहे थे, ये लोग जब धूप सेकने के लिए बाहर निकला था, क्योंकि ठंडे के दिनों में अक्सर देखा गया है कि सांपों को धूप सेकते हुए, क्योंकि ये लोगों का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं। जैसे कि अक्सर ऐसा आवाज़ करता नहीं है अजगर, लेकिन ये अपना गुस्सा को, एंगर को दिखाने के लिए ऐसा आवाज़ कर रहा है, एक सांस छोड़ रहा है। देखिए जिस तरह से हमारे कैमरामैन के ऊपर इसने अभी लपका, तो इस तरह से लपक भी सकता है क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी गुस्से में है। ये कह रहा है कि हमको यहाँ पे छोड़ दो। तो हम लोग लाए हैं इसको प्राकृतिक आवास में इसे छोड़ने के लिए। तो एक मैसेज देना चाहेंगे कि जंगली जानवरों को ना मारें, उसका प्राकृतिक आवास जंगल है, उन्हें जंगलों में जाकर छोड़ें। गलती से हम लोगों ने अपना घर, इनके घरों को साफ करके, यानी कि जंगलों को साफ करके हम लोगों ने अपना घर बनाया, तो ये रहेंगे कहाँ? तो गलती से हमारे घर की ओर आ जाते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि इन्हें इनके घर तक पहुंचा दें, क्योंकि इनके पास हो सकता है हमारे इतना जैसा बुद्धि नहीं हो, लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है उसका सही यूज़ करना चाहिए और जंगलों में इसका रिलीज़ करना चाहिए। आइए हम लोग इसको जंगल में रिलीज़ करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से जंगली जानवरों को और जंगल को बचाएंगे। और ये अब धीरे धीरे अपना प्राकृतिक आवास में चला जाएगा, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव मूड में है, तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा दूरी बना लेते हैं ताकि ये चला जाए। हम लोगों ने इसको प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया है, ये देख रहे हैं पूरा जंगली इलाका है,
और आपको जा रहा है और वो अपना स्थान पे चला जाएगा। अब हम लोग भी चलते हैं अपना घर। उस अजगर को अपने प्राकृतिक आवास में छोड़ने के बाद हम सभी हंसी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।